हेलो मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज मैं पहली बार एक बड़ा वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत बहुत महीनों बाद। आशा करता हूँ कि डेंगू के बारे में आपको मैं जागरूक कर सकूँ। डेंगू जो है उसका दूसरा नाम है डैंडी फीवर या ब्रेक बोन फीवर। जब जैसा नाम है वैसा काम है। ब्रेक बोन मतलब इतना तेज़ दर्द करता है आपके बोन्स पे, बैक बोन है, हेडेक है, पाँव में दर्द होना, इतना तेज़ दर्द करता है कि आपको लगे जैसे कि बोन टूटी जाए, इतना तेज़ दर्द होता है। इसलिए इसका नाम ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। डेंगू जो है ये एक वायरस से फैलता है। फैलाने वाला कारक जो है एक मच्छर है, मच्छर का नाम है एडीस एजिप्टी। अभी ये जो मच्छर, इसकी खासियत ये है कि ज़्यादा करके ये सुबह ही काटता है, वो भी घुटने के नीचे। ये जानकारी अगर आपको मालूम है तो आप लंबी पैंट पहन के, पैजामा पहन के, फुल साड़ी पहन के या सलवार कमीज़ पहन के अपने को बचा सकते हैं। इनफैक्ट अपने बच्चों को भी घुटनों के नीचे मॉस्किटो रेपलेंट लगा के अपने स्कूल में भेज सकते हैं जो हाफ पैंट में जाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो को मुझे बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न चाहते हुए भी हम बेकार में अपने किसी प्रिय प्रियजनों को तकलीफ़ में देखना नहीं चाहेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहली बात, डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। सेकेंडली, डेंगू का कारक है यानी जो फैलाने वाला है वो मच्छर है एडीस एजिप्टी। ये कहाँ पनपता है? ये आपके घर में कोने कापचे में फैलता है, जहाँ एकदम अंधेरा हो, नमी हो, इसको पानी चाहिए। तो जैसे टायर के अंदर जमा हुआ पानी हो, जैसे गुलदस्ता में टूटा हुआ गुलदस्ता हो, ये गुलदस्ता है, उसके अंदर पानी जमा है, साफ़ करने के चक्कर में उसमें जमा हो गया तो उसमें पनपता है। आपके घर में कहीं तो भी टैंक है जो बहुत देर से हिलाया नहीं गया है, वैसे का वैसे ही पानी है, कभी फ्यूचर यूज़ के लिए आपने रखा हो तो वहाँ भी जमता है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। ऐसी सारी जगहों को उसको ढक के रखें, उसको बिल्कुल भी खुला ना रखें, और अपने आसपास कहीं पानी का जमावड़ा ना होने दें। अब ये मच्छर काटने के 3 से 14 दिन के बाद ये बुखार चालू होता है। तेज़ बुखार आता है, पूरी शरीर को निचोड़ डालता है, एक एक बोन को तोड़ने जैसा दर्द होता है, सर दर्द होता है, उल्टी होती है। और इसमें एक और सबसे ख़राब बात है, डरावने वाली बात है, वो है खून बहना। लोगों के नाक से खून बह सकता है, संडास या पेशाब में खून आ सकता है, और महिलाओं में मेंसेस ज़्यादा तेज़ तक चल सकते हैं। ये बात जानना ज़रूरी है। अगर आप किसी जंगल में, रिसॉर्ट में गए हैं जहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। तो हो सकता है आपके डॉक्टर जान सके कि ओके, आप यहाँ से आए हैं जहाँ बहुत पेड़ पौधे थे, तो शायद ये डेंगू भी हो सकता है, वरना वो डायग्नोसिस मलेरिया टाइफाइड की तरफ भी कर सकता है या सिंपल वायरल इन्फेक्शन की तरफ भी कर सकता है। डेंगू जैसे वायरल इन्फेक्शन, अन्य वायरल इन्फेक्शन की तरह इसका कोई भी स्थायी ट्रीटमेंट नहीं है। सब कुछ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तेज़ बुखार में आपको बुखार की दवाई दी जाएगी। तेज़ बुखार में ज़्यादा जब उल्टी हो जाती है तो आपको आईवी सलाइन से पानी की पूर्ति की जाती है, और जैसा ऐसा जैसे प्लेटलेट की कमी है तो खून चढ़ाना पड़ सकता है, आईवी फ्लूइड चलाना पड़ सकता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी लगाना पड़ सकता है, प्लेटलेट यूनिट लगानी पड़ सकती है। तो इसीलिए दुर्घटना से अपनी सावधानी भली है, इसलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो 3 से 14 दिन के बाद ये बुखार चालू होता है। तेज़ बुखार, बदन दर्द, नाक से पानी, सर दर्द, खून आना नाक से, मसूड़ों से, पेशाब में, संडास में या मेंसेस में। बुखार के 2 या 5 दिन तक रैश भी आ सकते हैं, पूरे शरीर में लाल 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 छोटे चकत्ते आ सकते हैं। अगेन, ये बहुत सारे बुखार में ऐसा होता है कि चकत्ते निकलते हैं, लेकिन ये फिर से एक कदम और डेंगू की तरफ हमें ले जा सकता है। अभी इसका जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहले डायग्नोसिस से चालू होता है। पहले तो प्रॉपर हिस्ट्री दें कि हम लोग जंगल में गए थे, रिसॉर्ट में गए थे, या ऐसी जगह गए थे जहाँ बहुत घास खलियान थे। उसके बाद इसमें ब्लड टेस्ट होती है, जैसे कि डेंगू NS1 टेस्ट होती है, IgM, IgG हम लोग इम्यूनोग्लोबिन चेक करके देख सकते हैं। बुखार का जैसे मैंने बताया, इसका कोई स्थायी ट्रीटमेंट नहीं है कि डेंगू की ये दवाई है। जैसा जैसा जो जो सिम्टम आता जाता है उस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये नॉर्मली 7 दिन के बाद उतर जाना चाहिए और पेशेंट को चलते फिरता चालू होना चाहिए थकान के साथ। कभी कभी ये बुखार और ख़राब हो सकता है 7 दिन के बाद। इसमें ये हो सकता है कि आपके शरीर में खून बहना चालू हो सकता है, जिसको डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं। ये बहुत ही ख़राब कंडीशन होती है और आपके जो प्लेटलेट्स, उसकी कमी की वजह से होती है। अगर यहाँ भी अगर आपका ट्रीटमेंट बराबर नहीं होता है तो ये शॉक में जा सकता है इंसान। शॉक का मतलब खून की कमी से शरीर में पंप करने के लिए खून की कमी हो जाती है, जिसमें सारे जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, इसमें खून कम पहुंचने की वजह से
शॉक में इंसान जाता है, यानी खून कम होता है और वो बेहोश हो सकता है और उसकी कंडीशन कोमा में जा सकती है। सबसे अच्छा है डेंगू से बचिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेंगू मच्छर से फैलता है, घुटने के नीचे काटता है मच्छर, सुबह के टाइम ज़्यादा काटता है, और इससे बचने का कारण है, तरीका है, फुल पैंट पहनिए, बच्चों को बराबर रेपेलेंट लगा कर भेजिए और सतर्क रहिए। अपने आसपास के सारे पानी की जगहों को साफ रखिए, उस पर मट्टी डाल दीजिए, उसको कवर करके रखिए। धन्यवाद।